आप लोगों में से कितने को वीकनेस लगता है ना, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा फास्टिंग के टाइम पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नो, पैन ऑफ। ऑल राइट, सो नाउ आई कैन से रुक जा, चल रहा है। ओके, तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकिता ऑफिसर 812, और मैं हूँ अंकिता। लेकिन अभी मैं ना नहा चुकी हूँ, लेकिन मैंने ब्रश नहीं किया। ये देखो ब्रश, अभी मैं ना ब्रश करूंगी। क्या हुआ था ना कि टूथपेस्ट जो रखा हुआ था ना बाथरूम में, तो वो खत्म हो चुका था। और सुबह सुबह आपको पता है कि मैं नहा लेती हूँ, तो मेरे बच्चे को स्कूल जाना था, इनको ऑफिस, और लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा यार टूथपेस्ट मैं लाए जाऊंगी, सच्चा मैं पहले नहा लूँ, जब ये लोग चले जाएंगे अपने ऑफिस और स्कूल, उसके बाद फिर मैं कर लूंगी ब्रश। तो अभी मेरा ब्रश टाइम है नहाने के बाद। और आज ना, आज मैंने सोचा कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मतलब फास्टिंग नहीं है वैसे वाला, मतलब लाइक मंडे ट्यूसडे जो करते हैं लोग, बट मैं सोच रही हूँ कि एक बार ना मैं देखती हूँ, थोड़ा सा वीक में एक दिन ऐसा फास्ट रखना चाहिए ना, तो बॉडी डिटॉक्स होता है उससे। यार ये मेरा ऐसे क्यों दिखता है? हाँ, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए मैंने सोचा कि चलो यार आज मैं फास्ट करके देखती हूँ। पानी पीऊंगी, पानी सुबह एक गिलास पी लिया है मैंने, और फिर क्या, खाना भी खाना नहीं खाऊंगी, मैंगो खाऊंगी। फ्रूट्स में मैंगो एंड नाशपाती, बस एक नाशपाती और एक मैंगो खाऊंगी मैं। बट उसके पहले मैं करती हूँ ब्रश। और पता है ब्रश मैं कैसे कर रही हूँ? ये जो आप ऐसे दिख रहा है ना पेस्ट लगा हुआ है अजीब सा, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना कैसे किया है। एक्चुअली तो टूथपेस्ट हम है। आ चुके हैं अब किचन में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पेस्ट मैंने कैसे निकाला है। वैसे उसके पहले आप लोग गेस करें कि ये टूथपेस्ट मैंने कैसे निकाला है। आप लोग ऐसे करते हो क्या? कहाँ गया मेरा? गेस करिए पहले जल्दी से, और फिर आप देखिएगा आगे की वीडियोस में, तो पता चल जाएगा मैंने ये टूथपेस्ट कैसे निकाला है। टूथपेस्ट हो चुका है फिनिश। ये देखो निकल नहीं रहा था ना, मैंने इसको काट दिया है आधे से। और काटने के बाद कहाँ गया यार वो वाला कि मैंने, पार्ट? मुझे वो वाला पार्ट मिल गया जिससे मैंने टूथपेस्ट निकाला था। और ये देखो मैंने कहाँ रखा, कहाँ कहाँ मैं ढूंढ रही थी। ये इससे मैंने टूथपेस्ट निकाल लिया, देखो इसके अंदर कुछ बचा भी है? कुछ नहीं है ना। एक्चुअली क्या, टूथपेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, बट मुझे ऐसे काट के यूज करना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि ना वेस्टेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपने मेहंदी वाला वीडियो भी देखा था मैंने कैसे निकाला था, इसमें भी देखो मैंने कैसे निकाला है। हमेशा नहीं करती हूँ, बट कभी मेरा मन करता है ना तो मैं ऐसे करके निकाल लेती हूँ। वेस्ट ही क्यों करना भाई, ये भी तो हमने खरीदा ही है ना, फ्री में थोड़ी ना मिला है हमें, है ना? एक एक ग्राम का पैसा दिया है हमने, तो आधा ग्राम में क्यों वेस्ट करने दें, है ना? इसीलिए मैंने इसको ऐसे निकाला है। चलो अब मैं ब्रश कर लेती हूँ फटाक से। तो अभी ना मैं बाथरूम में आ चुकी हूँ, और ये देखिए मिरर जो बाथरूम का है ना, ये कॉर्नर से थोड़ा टूटा हुआ है, बट हमने रिक्वेस्ट डाला है कि चेंज करने के लिए, अभी तक किया नहीं है। मिरर तो आ चुका है, देखते हैं कब चेंज करता है। और सामने देखिए बाथरूम से वो अलमारी खुला हुआ नज़र आ रहा है, मेरे जो बेबी का उसमें टॉयज रखता है वो, तो वो बस ऐसे ही ना खोल के से छोड़ देता है। तो मुझे भी अब ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो दिन भर ना वैसे ही रखता है, वो जब मर्जी ना वो उठा लिया खेलने के लिए। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी ब्रश कर ले रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने किया नहीं है। हेलो जी, मेरा ब्रश भी अब हो गया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं इस ब्लॉग को नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ, मैं बैठी हुई अभी बेड पे अपने। और कल क्योंकि मेरा फास्ट था ना, तो मतलब मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, हेडेक भी होने लग गया मुझे, मेरे हस्बैंड को भी होने लग गया था। फास्ट हमने ऐसे ही रखा था, तो और अभी जब मैंने खाना खा लिया है ना, उसके बाद अजीब सा लग रहा है, नशा नशा टाइप से जो लगता है ना वैसा लग रहा है मुझे, बिल्कुल लग रहा है जैसे सो जाऊँ, नींद आ रही है मुझे। और अभी मेरा बेटा स्कूल चला गया है फिर से। मैं एक्चुअली सुबह से ही चाहती थी ब्लॉग शूट करना, लेकिन पता है मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि ना मैं जब भी फास्ट करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही वीकनेस आप लगने लोगों में से लगता है। कितने को वीकनेस लगता है ना, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा फास्टिंग के टाइम मैं पे। ऐसे जनरली फास्ट करती नहीं हूँ ना, वीक बोल रही हूँ, साल में एक बार जस्ट मैं तीज करती हूँ, इसके अलावा मैं और कोई फास्ट नहीं करती थी। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ ना कि वीकली स्टार्ट करूँ, तो आज सॉरी कल मंडे था ना, तो मंडे को मैंने जस्ट ऐसे ही फास्ट रखा था, मैंने पूजा वूजा कुछ भी नहीं किया, जस्ट लाइक कि ना आपको बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक दिन का फास्टिंग ज़रूरी होता है, बॉडी मतलब होता है ना पेट को रिलैक्स करने के लिए ना ज़रूरी होता है फास्ट, तो इसके लिए हमने किया था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने किया था। मेरे हस्बैंड तो ऐसे फास्ट करते नहीं, पहले जब मैं करवा चौथ करती थी ना, तो साथ में फास्ट करते थे, तो लेकिन उन्होंने भी कल किया था, और उनका तो बहुत ही ज़्यादा सर दर्द होने लग गया था। तो फिर कल रात को हमने ना हलवा बनाया था, बेसन का हलवा बना के ना हमने थोड़ा थोड़ा खाया था,
वैसे भी क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एकदम से मैं नहीं चाहती हूँ ना कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके मैं एकदम स्टार्ट करूँ कि एक दो बार करके फिर मैं छोड़ ही दूँ। मैं चाहती हूँ कि स्लो स्टार्ट करूँ और उसको कंटिन्यूअस में बना के रखूँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि हमने कल फ्रूट खाया था और फिर रात को थोड़ा सा हलवा बना के खाया था। हाँ, मुझे पता है कि रात को ना मीठा या नहीं लेना चाहिए कोई भी चीज़, नहीं तो आपका फास्ट का उतना कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन क्या करें, अभी स्टार्ट है ना जस्ट, तो इसलिए हमने सोचा कि यार एकदम से करेंगे ना, तो मुझे भी सर दर्द बहुत होने लग गया था, मेरे हस्बैंड को भी होने लग गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हमने सॉल्ट कल बिल्कुल भी नहीं खाया, थोड़ा सा स्वीट में खाया था, वही हलवा बना के बस, बाकी तो यार नेचुरल स्वीटनेस है फ्रूट्स में वो खाया था। बट धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि ये भी धीरे धीरे कम करेंगे, कम क्या करेंगे, बिल्कुल हटा देंगे और सिर्फ पानी ही पियेंगे। तो देखते हैं वो कब तक हो पाता है, बट अभी हमारा ऐसा फेज है ना कि हम कुछ ना कुछ हमें खाना चाहिए होता है, नहीं तो अब जैसे मैं भी बाबू को फीड कराती हूँ ना तो मुझे भी भूख लग जाती है, ठीक है, और बहुत वीकनेस हो जाता है मुझे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा तो मैं कुछ खाऊंगी। हाँ, हलवा को स्किप कर दूंगी हो सकता है एक दो बार के बाद, और बट फ्रूट एक टाइम मैं ज़रूर लूंगी दोपहर में, जिससे कि मुझे भी एनर्जी फील हो और मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ। तो आज का मैं ब्लॉग बस मैं यहीं तक, पसंद आएगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।